हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS एस्टोनिया T10 की 2024 की जो सीरीज चल रही है, इसके 13वें और आज के दिन के तीसरे मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा मोत्सा में बुल्स वर्सेस थैलेन हाइपोस के बीच। मैच की टाइमिंग है 4 बजे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट 15 मई 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश की कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो एस्टोनिया नेशनल क्रिकेट एंड रग्बी फील्ड थैलेन में मैच खेले जा रहे हैं, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो 130 से लेकर 140 का बन रहा है। और वेन्यू रिकॉर्ड देखें तो 11 मैच हो चुके हैं जिसमें से 5 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 6 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। यानी कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं है बैटिंग फर्स्ट सेकंड की, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। थैलेन हाइपोस का आज के दिन का पहला मैच होगा। इसके अलावा इन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेल रखे हैं। जो दूसरी टीम है मोत्सिम बुल्स, जिसका आज के दिन में दूसरा मैच है, पहला मैच ये हारी है और कैसा परफॉर्मेंस करा उसके अभी हमने रिकॉर्ड आपके लिए लिख दिया, तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन यहाँ से पहली टीम थैलेन हाइपोस की, जिसने इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेले हैं। 2 मैच इनकी टीम जीती और 1 मैच इनकी टीम हारी है। अच्छी टीम है, अच्छे खासे प्लेयर है और स्ट्रांग भी यही टीम नज़र आ रही है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। पहला प्लेयर है, लास्ट मैच जो खेला गया उसके हिसाब से हमने प्लेयर को सेट कर रखा, तो पहला प्लेयर है स्टुअर्ट हुक, जिसने 2 मैच में 49 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है इस टूर्नामेंट में। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे T10 का 15 मैच में 344 रन है 22 की एवरेज से, तो बढ़िया रिकॉर्ड है। और आपके लिए इस मैच में एक कंपलसरी प्लेयर है, सिलेक्शन 92% है, आप इग्नोर मत करना। फर्स्ट बैटिंग में आप इसको वाइस कैप्टन भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद है स्टीफन गाउच, जो इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी का डिफॉल्ट चॉइस है। 3 मैच में 118 रन बनाए, 6 ओवरों की गेंदबाजी करी, 4 विकेट लिए इस टूर्नामेंट में। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 34 मैच में 633 रन है 35 की एवरेज से, 9 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 10 विकेट लिए इस टूर्नामेंट में। बॉलिंग भी कंफर्म करा रहा है, इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी का इस मैच में डिफॉल्ट है, मतलब एकमात्र चॉइस कैप्टनसी का यही है इस मैच में, ठीक है। इसके बाद इसका ओवरऑल विकेट बता दिया। इसके बाद नंबर 3 पर बैटिंग कर रहा है बेन जोन्स, जिसने भी 3 मैच में 71 रन बनाए, अच्छी पारी खेल रहा है। और फर्स्ट बैटिंग में इसको भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, सिलेक्शन भी देखे तो 95% इसका सिलेक्शन है, ठीक है। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड 2 मैच का ही था जिसमें 3 रन बनाए। इसके बाद है मेरको वाइक, जिसने इस टूर्नामेंट के 3 मैच में 40 रन बनाए, ठीक है। बैटिंग पोजीशन नंबर 4 के करीब है, अगर इसकी टीम पहले बैटिंग करती है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होगा। क्यों? क्योंकि सामने थोड़ी वीक टीम है और कोई भी प्लेयर को अगर मौका मिला बैटिंग करने का तो वो रन मारेगा या मारेगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर खेल बैटिंग फर्स्ट होगी तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, सिलेक्शन भी देगा 27% है, ठीक है। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड 4 मैच में 28 रन है। T20 का रिकॉर्ड भी देख सकते हो, 17 मैच में 256 रन है 15 की एवरेज से, 25 ओवर की गेंदबाजी है 10 विकेट लिए। इसके बाद है डेविड रॉबिन्सन, जिसने 3 मैच में 45 रन बनाए, 5 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए। यह भी एक अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करके देगा, सिलेक्शन भी 97% और कैप्टन वाइस कैप्टन आप इसको भी दे सकते हो, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे इसका तो 14 मैच में 120 रन बनाए, 24 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए। विकेट थोड़े कम मिलते हैं लेकिन बॉलिंग कंफर्म कराता है, ठीक है। इसके बाद है आदित्य सेवियो, जिसने 3 मैच में 3 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे तो 11 मैच में 24 रन, 15 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट, यानी बॉलिंग करवाता है लेकिन विकेट थोड़े कम मिलते हैं। और बॉलिंग भी इस टूर्नामेंट में भी देखो तो 3 ही ओवर की गेंदबाजी करी और विकेट भी एक भी नहीं मिला अभी तक। उसके बाद है योन फ्ले, जिसने 3 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, 2 विकेट लिए, बॉलिंग करवा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और ऐसे प्लेयर को आपको नहीं छोड़ना जो कंपलसरी 2-3 ओवर करवा रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिलेक्शन भी देखे तो इसका 27% है मात्र, लेकिन बॉलिंग 5 ओवर की कराई है जिसमें 2 विकेट लिए, ठीक है। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड 7 मैच में 21 ओवर, 4 विकेट। उसके बाद एक काले वेस्लपू, जिसने 3 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी कराई, 4 विकेट लिए, बढ़िया गेंदबाजी करवा रहा है, विकेट भी लेके जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट गेंदबाजी में आप इसको वाइस कैप्टन भी दे सकते हो, एक अच्छा विकेट टेकर गेंदबाज है, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 13 मैच में 18 ओवर, 11 विकेट, ठीक है। इसके बाद है रिचर्ड पैरकिन, जिसने 2 मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 4 मैच में 4 ओवर, 4 विकेट, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसको भी अपन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है सिमोन क्वाजी, जिसने 2 मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिए। ओवरऑल रिकॉर्ड 4 मैच में 6 ओवर, 2 विकेट। इसके बाद है रुदेश सिकरण, जिसने 2 मैच खेले, बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं कराई, ओवरऑल रिकॉर्ड भी कुछ अवेलेबल नहीं है। बेंच पर से कोई भी नया प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टैट्स हमने लिख रखे हैं, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। इस टीम के जो जो प्लेयर इंपॉर्टेंट थे अपन ने सभी को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि टीम मजबूत इन्हों की दिख रही है तो अपन इसके ज़्यादा प्लेयर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं दूसरी टीम की अपन,
मौसमी बुल्स की, ठीक है, जिसने इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेले हैं, एक मैच जीती है और 2 मैच हारी है। जो आज के दिन का इनका एक पहला मैच हुआ था, वह भी मैच हार कर आ रही है, लगभग 20-30 रन से मैच हारी थी है। तो जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपन उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, लास्ट मैच जो खेला गया आज के दिन का उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है। तो पहला प्लेयर है विमुक्ति हतारीची, जिसने 3 मैच में मात्र 9 रन बनाए, कुछ खासा बैटिंग नहीं करी है, विकेट कीपिंग के पॉइंट देगा आपको, ठीक है, इसलिए आप ट्राई कर सकते हो कुछ टीमों में। और सिलेक्शन भी देखें तो इस प्लेयर का सिलेक्शन भी लगभग कम ही है, 5%, ठीक है, इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। ओवरऑल रिकॉर्ड 25 मैच में 155 रन है, 14 की एवरेज से, 9 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट लिए। उसके बाद है अपक्सा, जिसने 3 मैच में 93 रन बनाए, 3 ओवर की गेंदबाजी करी, विकेट लेस गया, लेकिन बॉलिंग भी करवा रहा पार्ट टाइम के तौर पे 1 ओवर, साथ ही आपको अच्छी खासी बैटिंग करके दे रहा, और इस टीम का एक सबसे मेन प्लेयर यही नज़र आता है, ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। सिलेक्शन भी देखे 78% इसका सिलेक्शन, अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 6 मैच में 6 ओवर 0 विकेट। उसके बाद है राजीव हरन, जिसने 3 मैच में 55 रन बनाए, ठीक ठाक बैटिंग कर रहा, जब भी मौका मिल रहा तो कंट्रीब्यूट कर रहा, तो फर्स्ट बैटिंग में अपन इसको ट्राई करेंगे, सेकंड बैटिंग में मैं इस प्लेयर को ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 121 मैच में 643 रन है, 25 ओवर की गेंदबाजी, 7 विकेट है। अगर टीम बैटिंग करती है तो अपन इसको ट्राई कर सकते हैं, सिलेक्शन भी देखें तो 64% है, ठीक है। इसके बाद है प्रवीण मुथु कृष्णन, जिसने 3 मैच में 52 रन बनाए, 4 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए। तो आप यहाँ से राजीव हरन के को बिना ना लेके प्रवीण के साथ जा सकते हो, कि प्रवीण रन भी मार रहा है और बॉलिंग भी करवा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन भी 92% है, ठीक है। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड बात करें प्रवीण का तो 145 मैच में 2174 रन बनाए, 22 की एवरेज से, और 92 विकेट भी लिए। इसके बाद है एरंगा विक्रमा सिंह, जिसने 3 मैच में 84 रन बनाए, 6 ओवरों की गेंदबाजी करी, 4 विकेट लिए, बॉलिंग और बैटिंग दोनों शानदार कर रहा है, और कंपलसरी आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी दे रहा है। तो इस टीम की तरफ से आप किसी की प्लेयर को कैप्टन बनाने का सोच रहे हो तो एक प्लेयर एरंगा ही है इस टीम का, ठीक है, जिसको आप कैप्टन बना सकते हो। ओवरऑल रिकॉर्ड 9 मैच में 39 ओवर 13 विकेट, विकेट टेकर गेंदबाजे, और 66 रन भी बनाए। इस टूर्नामेंट में तो बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहा है, ठीक है, 84 रन बना चुका है 3 मैच में T10 के। इसके बाद है सर्वेन चंद्रा, जिसने 3 मैच में मात्र 3 रन बनाए। इसके बाद है खुश ब्राह्मट, जिसने 2 मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए 0 विकेट लिए। इसके बाद इसका ओवरऑल रिकॉर्ड 59 मैच में 566 रन है, 140 ओवर की गेंदबाजी, 33 विकेट लिए। उसके बाद है ममुन मनन, जिसने 3 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी कराई, 1 विकेट लिया है, तो बॉलिंग करवा रहा है, इसलिए आप इसको कुछ टीमों में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन देखने को मिलेगा अपने को 9%, ठीक है। इसके बाद है दूसरा मुनी परलियाल, जिसने 3 मैच में 6 ओवर की गेंदबाजी कराई है, 5 विकेट लिए, बॉलिंग अच्छी करवा रहा है, विकेट भी लेके जा रहा है, तो इस टीम की तरफ से अपन इसको कंपलसरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 प्लेयर है रवि लिंगमानी, जिसने पहले मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई थी, जिसमें 3 विकेट लिए थे, लेकिन आज के मैच में इसको बॉलिंग नहीं मिली, तो अनप्रिडिक्टेबल हो गया बहुत ज़्यादा। हमने इसको सेलेक्ट करा था, एक टीम में वाइस कैप्टन भी दिया था, लेकिन बॉलिंग का मौका नहीं मिला, ऐसा T10 में चलता रहता है। इसीलिए आपको T10 के ऐसी सीरीजों में खाली ग्रैंड लीग खेलना चाहिए, हेड टू हेड और मिनी ग्रैंड लीग आप मत खेलना, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है। इसके बाद है दिलशान बोपगे, जिसने एक ही मैच खेला, बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी, ठीक है। बेंच की बात करें, बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो सभी के स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर सभी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन का इस मैच में स्टेफन गाउच एकमात्र चॉइस है, इसके अलावा वाइस कैप्टन अपन एरंगा को बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे। यह डेमो टीम है, डेमो टीम में फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना जरूरी है, ताकि आपको इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी, बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको एस्टोनिया T10 सीरीज के अलावा ECN पुर्तगाल की T10 सीरीज स्टार्ट हुई है कल नाइट से, उसके भी वीडियो मिलेंगे, और परसों नाइट से बुख्तार UAE का T10 सीरीज भी स्टार्ट हुई है, हम उसको भी कवर कर रहे हैं, तो आपको एक ही चैनल पर 3 T10 की सीरीज कवर हो सकती है, ठीक है, इसलिए बड़ो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। धन्यवाद।